तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सब लोग? आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं हूँ संजय और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल संजय कोलाइड़ा। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने यूट्यूब पर टॉपिक चैनल कैसे क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों, आपने बहुत सारे यूट्यूब टॉपिक चैनल देखे होंगे, जैसे यहाँ पे मेरा भी यूट्यूब एक टॉपिक चैनल है। तो मैंने इसको कैसे क्रिएट किया, कैसे बना, तो दोस्तों मैं आज सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिस भाई ने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना ताकि कोई भी वीडियो बनाऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलो दोस्तों, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि टॉपिक चैनल कैसे क्रिएट होता है। तो दोस्तों, हमें टॉपिक चैनल यूट्यूब पर एक चैनल टॉपिक चैनल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले एक डैशबोर्ड बनाना पड़ेगा म्यूजिक को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो उसको कैसे बनाए, तो दोस्तों मैंने उसके लिए यहाँ पे बहुत सारी वीडियो बना रखी है। मैं यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आई बटन पे भी दे दूंगा। आप इनमें से देख के एक डैशबोर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। और दोस्तों, अगर किसी भाई को ओरिजिनल डैशबोर्ड चाहिए, ओरिजिनल डैशबोर्ड चाहिए, तो इन नंबरों पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करे या कॉल करे, मैं उसको ओरिजिनल डैशबोर्ड बना के दूंगा। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले डैशबोर्ड क्रिएट करने के बाद डैशबोर्ड पर कुछ सॉन्ग अपलोड करना पड़ेगा। जैसे आप सॉन्ग अपलोड करोगे तो वह सॉन्ग अप्रूवल हो जाएंगे, मतलब सभी प्लेटफॉर्म पर अपलोड हो जाएंगे। जैसे ही वो अपलोड होंगे तो वह जो सॉन्ग है वह एक टॉपिक चैनल पे अभी अपलोड होंगे, मतलब यूट्यूब पे जो टॉपिक चैनल बनता है वो अपने आप एक टॉपिक चैनल बन के उस पर अपलोड हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैं दिखा दूँ आपको यहाँ पे मेरे मैं बता दूँ आपको कि टॉपिक चैनल कैसे क्रिएट होता है। तो मैं सबसे पहले अपना यहाँ पर डैशबोर्ड ओपन करता हूँ। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले डैशबोर्ड तो ज़रूरी बनाना है, उसके बाद ही आप यहाँ पर यूट्यूब चैनल टॉपिक चैनल बना सकते हो। जिस भाई को डैशबोर्ड चाहिए वह मुझे ज़रूर मैसेज करें, मैं उसको डैशबोर्ड बना के दूंगा। तो दोस्तों, देख सकते हो ये मेरा डैशबोर्ड है, ये यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको, देख सकते हो दोस्तों। अब मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे सॉन्ग दिखा दूँ, तो दोस्तों देख सकते हो लोडिंग हो रही है। तो मैं यहाँ पे आपको जो मैंने यहाँ पे इस पे सॉन्ग अपलोड कर रखे हैं वो मैं आपको टॉपिक चैनल पे भी दिखाऊंगा। तो अपलोड होने देते हैं, देखते हैं दोस्तों। तो देख सकते हो दोस्तों, मैंने यहाँ पे बहुत सारे सॉन्ग अपलोड कर रखे हैं मैंने अपने डैशबोर्ड पे। तो देख सकते हो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे एक भी सॉन्ग अपलोड कर दोगे तो आपका टॉपिक चैनल क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे सॉन्ग अपलोड कर रखे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको किसी सॉन्ग को क्लेम देना है, क्लेम टॉपिक, मतलब आपको अगर टॉपिक पे चढ़ाना है, तो उसके लिए आपको मैं दिखा दूँ आपको यहाँ पे बहुत सारे स्टोर आते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पे मैंने अपना सॉन्ग इतने स्टोर पे अपलोड कर रखे हैं। अगर आपको टॉपिक पे चढ़ाना है तो आप वहाँ पे जब आप इस डैशबोर्ड में सॉन्ग अपलोड करते हो तो स्टोर में बहुत सारे प्लेटफॉर्म आते हैं। तो आप वहाँ से यूट्यूब चैनल का जो ऐप्स है उस पर टिक हटा देना अगर अपलोड नहीं करना चाहते हो। अगर अपलोड करना चाहते हो टॉपिक पे तो वहाँ पे टिक लगा देना। तो दोस्तों, मैं आपको मेरा टॉपिक चैनल है वो दिखा दूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे यूट्यूब ओपन करता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ, मैं अपना टॉपिक चैनल सर्च करता हूँ, तो देख सकते हो दोस्तों मेरा जो टॉपिक चैनल है वो यहाँ पे सबसे ऊपर आ चुका है। देख सकते हो दोस्तों, संजय कोलाइडा टॉपिक। तो दोस्तों, मैंने इसके अंदर बहुत सारे सॉन्ग अपलोड कर रखे हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो दोस्तों, मैंने यहाँ पे अपने सॉन्ग अपलोड कर रखे हैं, तो ये अपने आप ऑटो जनरेट बनाए। तो मैं यहाँ पे आपको अबाउट में जाके दिखा दूँ, तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे दोस्त लिख रहा है ऑटो जनरेटेड बाय यूट्यूब। तो दोस्तों, ये यूट्यूब की तरफ से ऑटो जनरेट हुआ है, मतलब अपने आप क्रिएट हुआ है। तो आपको यहाँ पे टॉपिक चैनल बनाने के लिए कुछ नहीं करना, आपको बस एक डैशबोर्ड लेना है और उसको
उस पर सॉन्ग अपलोड करना है। जैसे आप अपलोड करोगे तो आपका यहाँ पे टॉपिक चैनल अपने आप क्रिएट हो जाएगा। देख सकते हो दोस्तों, मैंने यहाँ पे बहुत सारे सॉन्ग इस पर अपलोड भी हो रहे हैं। तो दोस्तों, जिस भाई को ओरिजिनल डैशबोर्ड चाहिए वो मुझसे संपर्क ज़रूर करे, मैं उसको डैशबोर्ड बना के ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ जो मैंने प्रोसेसिंग बताया, जो प्रोग्रेस बताया, वो आपके समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, आपको इसी प्रकार आपका टॉपिक चैनल यहाँ पे क्रिएट होता है। तो अगर आपको टॉपिक चैनल चाहिए तो उसके लिए आपको डैशबोर्ड लेना बहुत ज़रूरी है, और डैशबोर्ड क्रिएट करोगे तो आपका टॉपिक चैनल अपने आप बन जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूँ, जिस भाई को डैशबोर्ड चाहिए, ओरिजिनल डैशबोर्ड चाहिए जो 1 घंटे के अंदर सॉन्ग को लाइव कर देता है, मतलब सॉन्ग को अप्रूवल कर देता है, जिस भाई को चाहिए तो वो मुझे नीचे जो नंबर दे रखे हैं उस पर संपर्क करें, व्हाट्सअप करें या फिर कॉल भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।